हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है, एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा क्लास टू है, डे टू है, और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, थोड़ा सा हटके करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले जाएं लास्ट वीडियो देखें, बिकॉज ये सारी वीडियोज कनेक्टेड हैं। अगर आप एक वीडियो भी मिस कर देंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आइस ब्रेकिंग की, इंट्रोडक्शन की, और उसमें जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे वो बहुत कॉमन थे, बहुत आसान थे। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और हमारी जबान पे भी होते हैं और हमें याद करना आसान होता है। अब मसला कहाँ पे आता है, जहाँ पे हमसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है जो कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसको हम कैसे कहेंगे। तो आज हम ऐसे ही जो है सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे जिसको हम अक्सर सोच हमें हमें पता नहीं होता कि हमने उसको कैसे कहना है। तो आपने इनको जहन में रखना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप वर्ड्स को याद करने की बजाय पूरा सेंटेंस को याद किया करें बाय हार्ट। सेंटेंस से क्या होता है कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी साथ ही में याद रह जाता है, तो आपको अलहदा से स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपने क्या करना है, इन जो सेंटेंसेस हैं इनको आपने ऐसे ही याद कर लेना है, और जहां पे भी जरूरत पड़े आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है कॉम योर हेयर। आपने अक्सर कहा जाता है कंघी कर लो, तो हम कंघी को चूंकि कहते हैं कॉम, COMB, कॉम, तो इसको कॉम कॉम्ब अक्सर कहा जाता है, कॉम्ब। ये कॉम्ब नहीं होता, क्योंकि जब एम और बी इकट्ठा आ जाता है तो बी साइलेंट होता है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब जब भी किसी भी वर्ड में एम और बी इकट्ठा आ जाता है तो एम को प्रनाउंस नहीं करते। जैसे कि ये आपने अंगूठे को क्या कहते हैं, थंब, अक्सर आपने सुना होगा थंब, लेकिन ये थंब नहीं होता, थंब होता है थंब, क्योंकि बी इसमें साइलेंट है। इसी तरह हम कॉम्ब नहीं कहते, कॉम कहते हैं। इसी तरह आपने ये बहुत कॉमन मिस्टेक है प्लम्बर, राइट, प्लम्बर नहीं होता, प्लमर होता है। क्या होता है, प्लमर, आप स्पेलिंग देखें, बी जो है इसमें साइलेंट है। तो आपने याद रखना है नेक्स्ट टाइम जब भी एम और बी किसी भी वर्ड पे इकट्ठे आ जाएंगे तो बी को आपने साइलेंट कर देना है, बी को आपने प्रनाउंस नहीं करना। ओके, तो ये होगा कॉम योर हेयर। अगर आपने किसी को कहना है अपने बाल बना लो तो आप उसको कहेंगे कॉम योर हेयर। और अगर किसी के बाल ग्रे हैं, आपने अक्सर देखा होगा व्हाइट भी हम अक्सर कहते हैं या ग्रे भी कहते हैं, तो हम उसको कैसे कहेंगे, हिज हेयर आर ग्रे। अब आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि हेयर के साथ एस नहीं लगा, जबकि आगे आप देख रहे हैं कि जमा है, आर लगा हुआ है, क्योंकि हेयर जो है हम हेयर को प्लूरल भी हेयर ही कहते हैं, इसके साथ हिज हेयर्स आर ग्रे नहीं कहेंगे, हिज हेयर आर ग्रे, और ये प्लूरल में भी हेयर ही होता है। इसी तरह हम कैसे कहेंगे, ही हैज कर्ली हेयर। अगर हमने कहना हो कि उसके बाल घुंघराले हैं तो हम क्या कहेंगे, ही हैज कर्ली हेयर, हेयर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। और इसके लिए आज मैं आपको एक नया वर्ड भी देती हूँ, अगर किसी के बाल घुंघराले हैं तो उसके लिए आप एक नया वर्ड ले लें। आज से आपने कर्ली नहीं कहना, आपने कहना है फजी। क्या कहना है, फजी हेयर, आपने कहना है फजी हेयर, यानी घुंघराले हैं। ओके, आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि अक्सर पूछा जाता है कि आप अपने बालों को कंघी कैसे करते हैं, यानी मांग किस तरफ निकालते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, आप अपने बालों को कैसे बनाते हैं, कैसे पार्टिशनिंग करते हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर में कह सकते हैं आई डू साइड पार्टिंग, और आप ये भी कह सकते हैं आई डू मिडल पार्टिंग, यानी मैं दरमियान से बाल निकालता हूँ या मैं साइड से निकालता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया हेयर के बारे में हमने बात की। हमारा अगला जो वर्ड है वो है अग्री। आप अगर किसी से
किसी की बात से एग्री करते हैं तो आप कहते हैं आई एग्री, ऐसे नहीं कह मतलब ऐसे मतलब आप उसे एग्री करते हैं, आप कहते हैं आई एग्री, जैसे ये लिखा हुआ है आई एग्री। लेकिन अगर आप किसी से एग्री नहीं करते तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट एग्री। मैंने अक्सर ये सुना है, ये गलत सेंटेंस है, कहते हैं आई डोंट एग्री। आई एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। और आज मैं आपको नया इसमें वोकैबुलरी वर्ड ऐड कर रही हूँ। अगर आप किसी से एग्री नहीं है तो आप कह सकते हैं आई बेग टू डिफर, आप चाहते हैं एडवांस बोलना, राइट? तो अगर आप एडवांस बोलना चाहते हैं तो आप ये कहें, आप ये मत कहें आई डोंट अग्री विद यू, आप कहें आई बेग टू डिफर, मतलब मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता। और अगर आप किसी से कंप्लीटली इत्तफाक करते हैं, टोटली एग्री करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं आई कंप्लीटली एग्री विद यू, कैसे कहेंगे आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और एडवांस में इसको कैसे कह सकते हैं, मूवीज में अक्सर इसको कहा जाता है आई कुडंट एग्री मोर, आई कुडंट एग्री मोर, मतलब मैं आपसे कंप्लीटली इत्तफाक करता हूं। और इसको एडवांस तरीके से कहा जाता है आई कुडंट एग्री मोर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, आपने अक्सर सुना होगा कहा जाता है खुदा, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। तो खुदा ना खास्ता को इंग्लिश में कहते हैं गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। खुदा ना करे आपकी एग्जाम छूट जाए, गॉड फॉरबिड इफ यू मिस योर एग्जाम। गॉड फॉरबिड के साथ इफ का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह इसका ऑपोजिट आप कर ले, यानी अल्लाह करे, गॉड विलिंग, इसको कहते हैं गॉड विलिंग। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, और गॉड विलिंग, अल्लाह करे। गॉड विलिंग ऑल ऑफ यू विल स्पीक वेरी गुड इंग्लिश वन डे, अल्लाह करे कि आप सब लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। अगर आपने कहना है किसी को तैयार हो जाओ तो आप क्या कहेंगे, वियर योर क्लोथ्स। ये बहुत ओल्ड है, बहुत अन इंग्लिश सा लगता है। आपने नेक्स्ट टाइम कहना है गेट ड्रेस्ड, क्या कहना है गेट ड्रेस्ड। ओके, और अगर आपने किसी को ये कहना है कोट पहन लो या कोट उतार दो, पहनने को कहते हैं पुट ऑन और उतारने को कहते हैं टेक ऑफ। पुट ऑन योर कोट, टेक ऑफ योर कोट, पुट ऑन योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। तो पहनना होता है पुट ऑन और उतारना होता है टेक ऑफ। तो उम्मीद है आज आपने बहुत सारी सेंटेंसेस को याद किया होगा, बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड हुए होंगे। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाके इसका स्पेल चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, उसके बाद कॉपी पेन से लेके इन सब चीजों को नोट किया करें और बार बार इसको यूज किया करें और रिपीट किया करें। और मेरी आपको सजेशन ये है, जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, उतने ही ज्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इन सब सेंटेंसेस को यूज करें और जितना हो सके यूज करें, आप अपने अंदर डिफरेंस देखिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक ही है, प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने रिमार्क्स जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।